नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बीएसपी विधानमंडल दल नेता विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने 18/8/2021 यानी आज के दिन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पानी की निकासी न होना व सगड़ी तहसील के सगड़ी व गोपालपुर देवारा में घाघरा किनारे बने बांध की घटना से जनता व किसान की परेशानी को सदन में उठाया है। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंत्री के संज्ञान में डाला कि मेरे क्षेत्र में 68 ब्लॉक है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। इसमें 30-40 गांव की ज़मीनें बिल्कुल पानी से भरी है, वहाँ के लोग अपना अनाज और फसल नहीं बो पा रहे हैं। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अध्यक्ष से कहा कि मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा है व गोपालपुर विधानसभा भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है, वहाँ भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खासतौर से अपने विधानसभा मुबारकपुर में सठियाओं की बात कर रहा हूँ, कृपया इस करके इसे दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबंध करें ताकि पीड़ित किसानों को उससे मुक्ति मिल जाए। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर है, विद्युत की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिछड़ी ग्राम सभा है, जिस पिछड़ी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा, 2012 में इसी 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो इसी प्रदेश का धन जनता का था। मैं बार बार कहता हूं ये जनता का था, करोड़ों रुपया लग के, 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। एक एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र एकदम उसका कोई वो नहीं और आज मशीनें सड़ रहे। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके वही मुबारकपुर में बस अड्डा बना, सपा की सरकार में आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाए। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाए, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पे चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें लेकिन सड़क का हाल, जमीनी हकीकत क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए और जो सदर अस्पताल है हमारा, मेन सिटी का जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले तो शायद आपको पता चल जाएगा। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है जहां भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण कर भाजपा विधायक के बेहद करीबी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी यादव का अपहरण हुआ। दो कार सवारों ने असलहे के बल पर अपहरण किया। एक घंटे बाद शहर से दूर सड़क के किनारे गंभीर हालत में भाजपा कार्यकर्ता जिसका अपहरण हुआ था पाया गया, जिला अस्पताल में भर्ती है। भाजपा कार्यकर्ता के अपहरण और पिटाई से नाराज हैं भाजपा नेता, राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगाया जा रहा है। ठेकेदारी के चल रहे कार्य को लेकर भी कुछ लोगों से विवाद और मारपीट की चर्चाएं भी सुर्खियों में है। तो खबर अम्बेडकर नगर जनपद से आपको दिखा रहे हैं जहां भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट भी की है, दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा है। बेहद करीबी भाजपा विधायक का ये ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी बताया जा रहा है जिसका अपहरण हो गया था। दो कार सवारों ने असलहे के बल पर इसका अपहरण किया और एक घंटे बाद शहर के दूर सड़क के किनारे गंभीर हालत में ये भाजपा कार्यकर्ता मिला, जिसके बाद जिला अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद भाजपा नेता नाराज हैं और राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगाया जा रहा है। ठेकेदारी के चलते चल रहे कार्य को लेकर भी कुछ लोगों से विवाद की चर्चाएं और मारपीट की चर्चाएं सुर्खियों में है। फिलहाल SP और श्याम बाबू गुप्ता जो प्रतिनिधि हैं विधायक टांडा के, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर घटना को ब्रीफ कर दीजिए। देखिए जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सूरज नाम के व्यक्ति ने बताया है कि उनके भाई तेजस्वी वो दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनकी फॉर्चुनर से टक्कर हुई, वहाँ पर उनका फॉर्चुनर के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और फिर उनका कहना है कि वो तेजस्वी जायसवाल को लेकर के कहीं चले गए। थोड़ी देर के बाद तेजस्वी जायसवाल मेडिकल कॉलेज के पास मिले, उनके वजह से जो निशान है जिनका मेडिकल कराया गया है और मारपीट का उनका मुआयना कराया गया है, पूरे पकड़ की जाँच की जा रही है। मौके पर अधिकारी कुछ पता चला सर कौन लोग थे?
अभी इसके बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं पाई है। घर वालों से बात करके लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरा हो रहे हैं उनकी फुटेज दी जा रही है और जल्दी ही जो इसमें लोग दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई करके जरूर कार्रवाई। लगभग 10:15 बजे नगर में भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल के साथ आपराधिक घटना की जानकारी हुई और उसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद सक्रिय हुए और निश्चित तौर पर यह आपराधिक घटना है। अब तेजस्वी क्योंकि अभी अचेत अवस्था में है, अब सारी जानकारी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज तेजस्वी बताएंगे। देखिए गाड़ी का नंबर जो सामने आ रहा है 0005, क्योंकि उनके साथ सूरज यादव था, उसने बताया कि 0005 फार्चूनर गाड़ी और ये स्विफ्ट गाड़ी जो तेजस्वी के मोटरसाइकिल में पहले फार्चूनर लड़ाया गया, ये जब गिर गया उसके बाद दोनों गाड़ियों से लोग उतरे, असलाह के बल पे इसको स्विफ्ट गाड़ी में लाद के लेके चले गए। ये हम लोग घटनास्थल पर जब पहुंचे तो वहां पर फिर तेजस्वी का फोन आया, कई लोगों के पास आया, हम लोग कई गाड़ियों के साथ पहुंचे वहां, तो ये बताया कि हम मेडिकल कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पे बैठे हैं, यहीं पर लाके हमको छोड़ दिया। नहीं, जो सच्चाई है, जिसने किया वो आपराधिक घटना है, अपराध किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजमगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है जो गुजरात में लूट हत्या करने वाला अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी था। बता दें कि गुजरात में लूट हत्या करने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से 39,000 रुपये अवैध असलाह व कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराधियों अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिधारी धर्मेंद्र कुमार पांडे तथा जहानागंज के प्रभारी निरीक्षक मय हमराही व प्रभारी थाना सराने के सराय मय हमरा इटौरा तिराए पर मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर से खास सूचना मिली कि गुजरात का एक अपराधी है जो गुजरात में लूट व हत्या करके वहां से फरार है, जो आजमगढ़ आया हुआ है। वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जहानागंज की तरफ से आ रहा है, चक्रपानपुर होते हुए खरहानी की तरफ जाएगा, वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर खास की बात का विश्वास कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया जान से मारने की नीयत से, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाई जो पैर में लगी और वो घायल हो गया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भावेश कहाँ कहाँ लूट किया है, कितना की लूट किया है? 9 लाख की कि 17 लाख? 39,000। सही बोल। नहीं, वो लोग तो लिख के पर हमारे पास 9 लाख रुपया आया था। हाँ, वो लोग लिख के पर हमारे पास कितना आया था? 9 लाख। 9 लाख। अब मर्डर कितने किया? एक किया था। 10 किया? एक मर्डर मैं कबूल दूंगा, मैं उनको पता भी कि उसमें जेल गए, उसमें जेल गए। तुम उधर क्या देखा? इधर डिप चल रहा इधर से। हाँ, एक मर्डर किसका किया था? पहले ही मर्डर किया, वो छूट गया, उसके बाद में फिर ये मर्डर करके भागा है और लूट करके भागा है। हाँ, रुपया रुपया कहाँ है? रुपया कौन ले गया? वो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महंगाई एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं कि हाथों में सिलेंडर और मक्के भुट्टे की ठेले पर भुट्टा भोजते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा के सामने महंगाई एवं भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वाले विधायकों में पूर्व मंत्री नफीस अहमद, संग्राम यादव प्रमुख नेताओं ने कहा कि योगी सरकार के लिए कोई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता भ्रष्ट तंत्र से पीड़ित है और भ्रष्टाचार जनता को दीमक की तरह खा रहा है। समाजवादी पार्टी जनता के हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करती रहे की तस्वीरें आपके सामने है, जो लखनऊ की विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में विधानसभा के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है, जैसे भाजपा आई है, कमर तोड़।
महंगाई है, महंगाई है, औतरौलिया की नगर पंचायत समेत आसपास के लोगों में महंगाई का खौफ व्याप्त है। चारों तरफ लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। कोरोना काल के दौरान आम जनमानस पर महंगाई का असर लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जरूरी चीजें दाल चावल चना बेसन चीनी मैदा रिफाइंड घरेलू डीजल पेट्रोल में मूल्य वृद्धि होने के कारण लोगों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। वही आगामी त्यौहार पर चारों तरफ शांति का आलम देखने को मिल रहा है। पूरी तरह गुलजार रहने वाला बाजारें सुनी पड़ी हैं, तो वही इंटर तक के स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी भी बहुत कम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि होने के कारण ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा असर पड़ा है। इसके कारण सा खाद्य सामग्रियों से लेकर अन्य चीज़ें भी महंगी हो गई है, जिसका आम जनमानस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आइए सुनाते हैं कि मिष्ठान विक्रेता अरुण कुमार यादव और समाजसेवी कन्हैया प्रसाद कौर प्रेसवार्ता कर क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आजमगढ़ के बुरहनपुर तहसील क्षेत्र के छितौनी चौराहे पे हूँ, जहाँ पे एक अरुण मिष्ठान व्यापारी हैं, और आइए उनसे हम बात करते हैं कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है। बताइए अरुण जी, ये महंगाई के बारे में क्या राय है आपकी? पहले तो आपको नमस्ते। महंगाई तो सर बुरी चरम सीमा पे है, इतने चरम सीमा पे है कि हम लोगों का कमर टूट गई है। जो गैस आज के भी एक हफ्ते पहले 915 का मिलता था, आज वो 965 का मिल रहा है। सीधे सीधे मान के चलिए 50 रुपये एक हफ्ते के अंदर बढ़ गया। जो रिफाइंड हमको 1500 की मिलती थी, आज वो 2300 की मिल रही है। जो लेबर मिस्त्री हमारे 7000 8000 9000 में करते थे, आज उन लोगों की तनख्वाह मजबूरी में हम लोगों को महंगाई को देखते हुए 15000 8000 कर दिया गया। जिस तरह से भैया महंगाई की बात हो रही है, उस तरह आम जनता के आपके सामान भी महंगे, आम जनता को क्या पड़ा होगा, इसके बारे में बताइए। आम जनता का तो वो हाल है कि वो एक टाइम की सब्जी अपनी खरीद ले, वही बहुत है। हम लोगों की मिठाई क्या खाने आएगी? त्यौहार है सामने रक्षाबंधन, उसका कोई भी असर नहीं है। ग्राहक का पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन है। पहले जो है, आज के 5-7 साल पहले पता चल जाता था कि हाँ रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, कोई हर्षोल्लास कुछ रही नहीं गया। क्या ये महंगाई का कारण पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं, इससे भी कोई फ़र्क पड़ा है, इसके बारे में बताइए। सर पेट्रोल डीजल, डीजल तो मान लीजिए अपने पूरे देश की हर व्यवस्था भी जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से लेके। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा आएगा, किराया अपने आप महंगा होगा, किसान परेशान। नमस्कार, मैं इस वक्त आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत क्षेत्र से हूं, जहां पर समाज सेविक कन्हैया गौर से बात करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि आज महंगाई सरकार द्वारा जो तेल को लेके और अन्य चीज़ों को लेके महंगाई है, आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए कन्हैया गौर जी से बात करते हैं। जी सर, ये बताइए कि ये जो महंगाई चल रही है, इसके लिए क्षेत्र को लेकर और क्या होगा? अरे महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है, गरीब आदमी का खाना दुश्वार हो गया है, क्योंकि तेल इतना महंगा है, 100 से पार पेट्रोल हो गया, डीजल 100 के करीब हो गया है, और रसोई गैस का जो का दाम बढ़ गया, 1000 से ऊपर में मिल रहा है। गरीब आदमी तो 50 रुपया डेली गैस का उसका खर्च हो रहा है, लकड़ी की अब व्यवस्था नहीं रह गई है, अब खाने को तरस जा रहे हैं। 300 रुपया दिहाड़ी करके घर चलाना 4 परिवारों का बहुत मुश्किल है, इस सरकार में तो एकदम त्राहि। आजमगढ़ के उतरौलिया से खबर है, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत पर राजकीय सम्मान दिया गया। ससैया जिला चिकित्सालय से ऐसी एक खबर सामने आई है, जहां पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने से एक मोर की मौत हो गई। जैसे अस्पताल कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली, तो उसी पक्षी आवारा कुत्तों के बीच से निकाला गया, और फिर स्वास्थ्य अधीक्षक समेत कर्मचारियों ने उस मोर के शव को तिरंगे में लपेटा, फिर और वो राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की खूबसूरती और अदाएं देख तो कई लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब उस पक्षी को उसके पद अनुसार सम्मान दिया जाता है, तो लम्हा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बन जाता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा उस मोर को तिरंगे में न सिर्फ लपेटा है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस मोर को उचित सम्मान दिया गया। अब इससे पहले भी राजकीय सम्मान तो कई बार देखें, लेकिन किसी मोर का इस अंदाज में अंतिम संस्कार करना सभी के दिल को छू गया है। एक तरफ लोग अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी की तारीफ करते नहीं थकते थक रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। आज सुनाते हैं किस बाबत स्वास्थ्य अधीक्षक के झा ने क्या कुछ कहा।
हमारा पशु द्वारा एक राष्ट्रीय पक्षी घायल हो गया था, जिसका आप लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, उसके बारे में बताइए क्या कैसे हुआ। हमारे स्टाफ द्वारा सूचना दी गई कि कुछ आवारा पशुओं ने एक मोर को घायल कर दिया है। हम लोग तत्काल इमरजेंसी पहुँचे और भरसक कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। उसके बाद हम लोगों ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट कर उसको दफनाया, जिसमें सारे हमारे स्टाफ हमारे साथ थे।